नहीं नहीं बना, हमको भी लगा कि बन गया, इस तरफ आ जाओ। बात हुई थी ना कि 265 की संख्या होती है, इतने हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि रात हो गई थी लेकिन वो बना नहीं। मतलब ये था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे प्रचार भी रहेगा, मतलब मैसेज भी फॉरवर्ड होगा, और अभी नहीं बना है तो मैं उसको मैसेज अभी कर दे रहा हूँ। कल का भी शाम को आपको बताया जाएगा। कल सामान इकट्ठा जो जो नाम लिखा है, जो गली से गली दूसरा दिखा दी क्योंकि रिपोर्ट रिपोर्ट के साथ दूसरे किसी का मैसेज बाकी की अपन मसाली मसाला देख रहा है, चाट मसाला और काका बोल रहा अपन लिख दिया ये पैकिंग कार्य ओएस बालकुंदन फाउंडेशन के तहत हो रहा है, और ये कोविड के जो पेशेंट हैं या जो उनके फैमिली के मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। कैसे उन तक पहुंचा रहे हैं, क्या नियम हैं इनके पहुंचाने का? हमारा एक सिस्टम यह है कि हमने एक नंबर हमने कॉमन रखा है जो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, ये प्रचार प्रसार भी हमने इस नंबर का किया है। उस नंबर पे जो कोविड के पेशेंट हैं अपनी रिपोर्ट, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना पता, और अगर इनके परिवार में कुछ ऐसे हैं जैसे छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं जो नहीं खाना बना सकते या नहीं कर सकते, उन लोगों को भी हम लोग खाना दे रहे हैं। कितने टाइम का आप लोग खाना उन लोग तक पहुंचा रहे हैं, और ये प्रसाद है क्या? ये आशीर्वाद बाबा भोलेनाथ के दरबार काशी विश्वनाथ क्षेत्र में बन रहा है, और उन्हीं के कृपा दृष्टि से कार्य हो भी रहा है, तो खुद ही में ही अपने आप प्रसाद हो गया ये, और प्रसाद के रूप में लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। लोगों की अच्छी ब्लेसिंग भी मिल रही है हमको कि नारायण प्रियमंगमरा पारा पारा।
आइए आइए, जी मैं योगेश वर्मा, काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र में रसोई की पूरी व्यवस्था और जो लोग हमको फीडबैक देते हैं कि मुझे भोजन की आवश्यकता है, उनको ज़रूरत है, उसकी मैं व्यवस्था का देख रेख यहाँ कर रहा हूँ। योगेश जी, किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं और वो कौन लोग हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं और प्रोसेस क्या है उसका? मदद करने का इसमें एकदम साधारण सा प्रोसीजर है, व्हाट्सएप के थ्रू वो लोग अपना अपने परिवार में जो भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है उसकी एक रिपोर्ट की कॉपी मुझे देंगे व्हाट्सएप की, उनको कितने लोगों का भोजन चाहिए वो उसमें इंगित करेंगे, अपना पूरा पता और मोबाइल नंबर देंगे, उस आधार पे वाराणसी महानगर क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं हम उनको भोजन, सात्विक भोजन यहाँ से ज़रूर प्रस्तुत कराते हैं। और खाने को लेकर किस तरीके से आप लोग देख रेख करते हैं? भोजन की गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, एकदम हाइजेनिक तरीके से भोजन पकाए जाते हैं, पकाने वाले और पैकिंग करने वाले पूरे प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं, मास्क लगाते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं और यहाँ खाना पूरा सात्विक दिया जाता है जिसमें रोटी, सब्जी, चावल, दाल, सलाद और बीच बीच में मिठाइयाँ, रायता, इन सब चीज़ों को भी हम प्रोवाइड करते हैं। सर, जब शुरुआत किया था तो कितने लोगों की आपने मदद की, अब कितने लोग हो चुके हैं इनकी मदद करना? पहले दिन जब शुरुआत हुई थी आज से 5 दिनों पहले तो मात्र 50-60 लोगों का जो है रिक्वायरमेंट था और आज के समय सुबह शाम मिला के 500 से ज़्यादा लोगों की थाली हम लोग यहाँ से रोज़ाना भेज रहे हैं।